इधर दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी में कपकपी बढ़ा दी है। दिल्ली में सुबह सुबह क्या है हाल, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ मैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इस सर्दी में अब तक न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन आज 5 डिग्री तक तापमान है, जिसकी वजह से सड़कों पर अगर आप देखें तो कोहरा अब तक नहीं दिखाई दिया है और कोहरा ना होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार सामान्य चल रही है। हालांकि विजिबिलिटी 1000 मीटर के आसपास है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 तारीख तक इसी तरीके से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर चलती रहेगी, ठंड हवाएं चलती रहेंगी और ऐसे में जो लोग भी इस वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं वो तमाम एहतियात भी बरत रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू भी है यहाँ पर और नाइट कर्फ्यू होने की वजह से सड़कों पर भीड़ कम है। अमूमन इस सीज़न में हम लोग सड़कों पर लोगों को अलाव जलाते हुए देख सकते थे, लेकिन नाइट कर्फ्यू की वजह से इस वक्त इस तरह की बहुत कम तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं। कैमरामैन विपुल के साथ ब्रजेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।